सिर्फ कहने के लिए 4 घंटा है, लेकिन हम लोगों को जब भी कॉल आता है तब रेडी रहना पड़ता है। मानदेय इतना है कि सुनिएगा तो आप शर्मसार हो जाइएगा। स्वागत है आपका जनहित आवाज में, मैं हूँ आपके साथ पूजा। आज यहाँ जंतर मंतर पर काफी महिलाएं आई हुई हैं और इनका मुद्दा जो है वो आपको मैं बता दूं कि ये आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा का ये प्रदर्शन हो रहा है। सभी यहाँ पर महिलाएं आप देख सकते हैं, ये महिलाएं आई हुई हैं, कामगार करने वाली महिलाएं हैं। क्या कुछ है तो इन्हीं से पहले जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाइस्ता परवीन है। कहाँ से आई हैं? मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ। हाँ, वेस्ट बंगाल। दिल्ली में कहीं रहती हैं क्या? नहीं, दिल्ली में मेरा, वेस्ट बंगाल से ही आई हूँ सीधा, और कल ही आई हूँ और आज फिर रिटर्न भी है मेरा। तो क्यों आना पड़ा यहाँ पे? यहाँ हम लोग अपनी मांग को लेकर के आए हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रहा है। मैं वेस्ट बंगाल से अखिल भारतीय महासभा आंगनवाड़ी कर्मचारी की अध्यक्ष हूँ और यहाँ मांग को अपने रखने के लिए आई हूँ कि ताकि हमारी मांगें पूरी हों। हमारा शोषण बहुत हो रहा है इस वजह से। किस तरीके का शोषण हो रहा है? शोषण नहीं हो रहा है कि टोटल काम हम लोग के ही ऊपर डाला जाता है, चाप जितना भी है वो हम लोग पर, यानी पेट में जैसे प्रेगनेंसी, जीरो मंथ का समझ गया है कि प्रेगनेंसी, आपका जो प्री प्रेगनेंसी शुरू हुआ उस वक्त से लेकर के आपका जब तक मौत नहीं हो जाए, वो टोटल हम लोग के जिम्मे काम होता है। और ये काम जैसे पोषण देना बच्चों को, उसके बाद उनका हेल्थ चेकअप, उनका हेल्थ मॉनिटरिंग, फिर इम्यूनाइजेशन को निश्चित करना, इम्यूनाइजेशन उनको वक्त पर मिले, एकदम सही मिले, सटीक मिले, कोई भी बच्चा बाकी ना रहे, माँ बाकी ना रहे, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट में, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी एक वजह थी ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में, और इस लक्ष्य को पा चुकी है ऑलरेडी। बहुत कम हुआ है, फिर ड्रॉप आउट को रोकना, ड्रॉप आउट भी हम लोग के ही जिम्मे आता है कि ड्रॉप आउट को रोकना है, यानी बच्चे जो स्कूल छोड़ दे वो नहीं छूटे, और ख़ास करके लड़कियों का जो 11 साल से लेकर के 18 साल की लड़कियों का ड्रॉप आउट नहीं हो, वो स्कूलिंग करें, यहाँ तक कि हम लोग को स्कूल में भी भर्ती करवाना पड़ता है। और अगर वो किसी सूरत से किसी विवश कोई ऐसा वक्त आ जाता है जब बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते हैं, तो हम लोगों को उनकी मदद करनी होती है, फिर उसको स्कूल में भी डालना होता है। दूसरी बात, कोई अगर मरता है तो क्यों मरा, इसका वजह कारण कॉज को लिखना होता है। कोई बच्चा अगर 0 से 6 ईयर्स में अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो उनको रेफरल सर्विस देना, यानी आपको अस्पताल तक लेके जाना होगा, अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके ऊपर चाप ही है। जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, मतलब कि आपसे काम लिया जा रहा है लेकिन जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यानी हमसे काम तो टोटल ली जाती है लेकिन हमारा जिम्मेदार कोई नहीं है, हम लोग का जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है, यहाँ तक कि सैलरी के नाम सैलरी तो देते ही नहीं। क्या मिलता है आपको? ऑनरेरियम के तौर पर दिया जाता है, यानी कहा जाता है कि आपका जो वर्क्स है वॉलेंटरी वर्क्स है, ये आपकी मर्जी है जो आप ये काम करते हो, यानी वेलफेयर के हिसाब से, मतलब आपकी मर्जी से कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, आप सोशल वेलफेयर हो, और सोशल वेलफेयर के एवज मैं आपको, मतलब ये लोग नहीं रख रहे हैं जो सरकारी आंकड़ा दिखाते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और नहीं, ये तो ड्यूटी मानते ही नहीं है, कहते हैं कि आप तो सरकारी वेलफेयर काम कर रहे हो, वेलफेयर के हिसाब में काम कर रहे हो, वॉलेंटरी समाज सेवा है ये, और समाज सेवा के हिसाब में आपको कुछ पैसा दिया जाता है ऑनरेरियम नाम। ऑनरेरियम तो सैलरी नहीं, सैलरी जब होता तो ये चीज़ मांग होती ही नहीं, और इतने मतलब 47 साल से ओवर हो गया, 2 अक्टूबर 47 साल कंप्लीट हो चुका, 47 साल से ऊपर होने के बावजूद जो वर्कर, यानी सोच लीजिए कि जो 2 अक्टूबर 1975 में जो ये आई होंगी वर्कर बनी होंगी, वो अब तक रिटायर भी हो गई होंगी, उनको न रिटायरमेंट का कोई पैसा, न उनको कोई पेंशन, बताइए उनका जीवन कैसे बीतता होगा, कैसे बीत रहा होगा, कुछ लोग तो गुजर भी गई होंगी, कुछ जो जिंदा भी होंगी वो काफ़ी उनका बहुत निराशाजनक जिंदगी होगी। मैं कुछ कह रही थी आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिमला है। कहाँ से आई हैं? हम आगरा से आई हैं। आगरा से आई हैं? हाँ जी। काम करती हैं आप भी? हाँ, काम रात दिन काम करते जाओ, वो भी थोड़ा है ना, और पर पैसे के नाम पे सरकार को कोई कुछ नहीं दिखता है कि जब पैसा कितना दे रहे हैं हम। कितना घंटा काम करवाते हैं? अरे जब भी घंटे घटा दें, जब भी वह काम है लिमिट ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है,
कागज पे कहने के लिए 4 घंटा, लेकिन 2400 घंटा समझ लीजिए हम लोगों का। सिर्फ कहने के लिए 4 घंटा है, लेकिन हम लोगों को जब भी कॉल आता है तब रेडी रहना पड़ता है काम के लिए। मतलब एट अ टाइम आपको पुलिस की नौकरी कर दी है, मतलब जब बुला दी। किस विभाग से हम लोग हैं ये मत पूछिए कि किस विभाग। स्वास्थ्य विभाग का भी काम करते हैं, शिक्षा विभाग का भी काम करते हैं, प्रशासन विभाग का भी काम करते हैं, और हमको सरकार किस विभाग में रखे हैं ये पता नहीं है, हम लोगों को पता नहीं है। अच्छा, ये विभाग ही नहीं पता है आपको? हाँ। काम लिया जा रहा है, मगर डीएस में मात्र कहने के लिए 6 सेवा है, लेकिन सरकार का सामाजिक जितना भी सेवा है जो किसी से नहीं संभलता है, वो सरकार जो है हमारी सेविका बहनों और हम सेविकाओं के सर थोप देते हैं कि तुमको करना होगा, अगर नहीं करोगी तो चयन मुक्त कर देंगे। यही है दिमागी शोषण, दिमागी टेंशन देना और जबरन, ये अंग्रेजी शासन हम लोगों पे चल रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य सुने थे हम लोगों के? हम उस टाइम में जन्म भी नहीं लिए थे, हम लोगों के दादा नाना स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन हम लोगों के ऊपर जो अभी चल रहा है, जो शासन चल रहा है, वही अंग्रेजी शासन चल रहा है। काम करोगी तो रखेंगे, नहीं करोगी तो चयन मुक्त कर देंगे। आजादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं दिखावा हम लोगों के लिए नहीं, वो दिखावा है। प्रधानमंत्री तो बोलबाला वाला आदमी है, वो तो बहुत कुछ बोलते हैं, वो तो नारी सशक्तिकरण का बात करते हैं। क्या हमारे विभाग में, ICDS विभाग में उनको नारी नजर नहीं आ रहा है क्या? हम लोग क्या है भाई, नारी नहीं है, हिंजरा है क्या? क्या है हम लोग बताएं? जब नारी सशक्तिकरण का बात करते हैं तो हम लोग क्या हैं? और संविधान का नियम है कि जो जवानी अवस्था सरकार के काम में व्यतीत कर रहा है तो उनके वृद्धावस्था की गारंटी कौन लेता है? सरकार है ना, ऐसा सुनने में है। हम लोग दौर देहात के हैं, लेकिन पूछिए जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे हमको पता चला है कि ये संविधान का नियम है कि जो काम आप जवानी अवस्था में सरकार का कर रहे हैं तो आपके वृद्धावस्था की गारंटी सरकार लेंगे, लेकिन हम लोगों के वृद्धावस्था की गारंटी वो नहीं ले रहे हैं। वो जब तक हम लोग काम करने के लायक हैं हम लोग से काम लेंगे, वृद्धावस्था में उठा के फेंक देंगे गटर में। हम लोग पेंशन वगैरह भी मिलती? बिल्कुल पेंशन, कोई पेंशन नहीं। कहा जाता है कि हम लोगों का LIC ये वो करवाने का जो है प्रलोभन दिया जाता है, लेकिन कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है। और मानदेय इतना है कि सुनिएगा तो आप शर्मसार हो जाइएगा कि इतना कम मानदेय में आप लोग कैसे काम करते हैं। कितना मिल रहा है मानदेय? मात्र 5,950 रुपया मानदेय हम लोगों का, 5,950 मात्र 5,950 रुपया हम लोगों को मिलता है। और कहाँ कहाँ क्या मिलता है, लेकिन हम लोगों को 5,000। मैं मधेपुरा जिला से हूँ, बिहार से, मधेपुरा जिला से, सुनने में कुमारखंड प्रखंड की सेविका कुमारी नीलम हूँ, और हम लोगों को मात्र 5,950 रुपया दिया जाता है। और जो है आप बताइए महंगाई क्या है, गैस सिलेंडर का दाम कितना है? हम लोग सेंटर पे जो खाना बनाते हैं उसका बराबर बदला होता है। पहले तो सिर्फ खिचड़ी दिया जाता था, अब दिया जाता है दाल चावल, दल सगा समझते होंगे, सब्जी कद्दू का सब्जी साग बना के दीजिए। अरे बाबा आप जब, अच्छी बात है बच्चा के स्वास्थ्य के लिए आपने सोचा, लेकिन सेविका कहाँ से बनाएगी, कैसे बनाएगी? आपका ईंधन जो है गैस सिलेंडर इतना आसमान छू रहा है भाव, उसके रेट में आप हमको दीजिएगा ना पैसा, उसके हिसाब से आप बर्तन दीजिएगा ना बनाने के लिए, कुछ कहीं कुछ नहीं। हम लोग सेंटर जो चलाते हैं उसके लिए हम लोगों को भाड़ा नहीं दिया जाता है, 4 साल के से खुद हमको अभी सेंटर का भाड़ा नहीं दिया गया है। कहिए उस सेंटर का क्या स्थिति होगा? सरकार तो कह रही है कि 8,000 से 10,000 जो है सैलरी करी गई आप लोगों कर रही है, कर रही में और करेगी में अंतर है। जब उम्र बीत जाएगा 2000 मतलब कितना दिन से, 14 में 2004 में हमारी बहाली हुई है, अब जोड़ लीजिए हम कितना दिन से नौकरी में हैं, क्या सब मिला? कर तो बहुत कुछ, कहने को तो कहे तो कहने को बहुत कुछ, लेकिन सर जमीन पे कुछ नहीं। यहाँ उतरे हैं वही दुखरा सुनाने के लिए। हम तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप लोग समाज के वो करी हैं, हमारी आवाज़ को चाहें तो ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। बताना चाहेंगे कि हम लोग के काम का कोई चीज़ नहीं है, यानी कोई लिमिट
हाँ। तो अभी देखिए और भी महिला है, कहाँ से आई हैं? मधुबनी जिला से, बिहार से। बिहार से आई हैं, बिहार से आई हैं, बता रही हैं। आप इतनी दूर दूर से आप लोग आई हैं? हाँ, इतनी दूर से आए। मजबूर कर दिया आप? मजबूर कर दिया, कहने लायक नहीं है क्या कैसे हम लोग रह रहे हैं। आप कहाँ से? हम गाजीपुर से आए हैं। गाजीपुर से, दिल्ली से? यूपी के गाजीपुर से। जी जी। आपका भी यही शोषण हो रहा है? हाँ, हम लोगों का तो मानदेय 4500 है। कितना मिलता है आपको? 4500 मिलता है, बिहार का तो ज्यादा हम लोगों से। हम लोगों का 4500 है, 4500 मिलता है मतलब आपको। इसमें गुजारा बता, आप तो गृहिणी है, अच्छे से जानती होंगी कैसे। अरे कुछ नहीं, हम लोग तो अपना खर्चा चला ही नहीं पाएंगे तो परिवार का अपना कहाँ से चलाएंगे। हम लोगों की भी सोच है कि हम लोगों के बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़े, अच्छे हम लोग अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे, लेकिन हम लोगों का अपना ही खर्चा नहीं चल पाता है तो कहाँ से हम लोग अपने बच्चे का परवरिश करें। हम लोग पूरे गांव की जिम्मा लेते हैं, जब तक बच्चा माँ के गर्भ में जाता है हम लोग तभी से उसका ध्यान देते हैं। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर हम लोग कम करते हैं, और सरकारी हम ही लोगों को मार रही है, हम लोगों से कुपोषण भगवा रही है। रात दिन हम लोग को दौड़ाती है, घर घर दौड़ाती है, वजन करवाती है। हम लोग वजन करते करते खुद हम लोग कमजोर हो जाते हैं, लेकिन सरकार कभी जो हम लोगों को 45 है वो भी 45 हम लोगों को समय से नहीं मिलता कि हम लोग अपना गुजर बस 3-3 महीने 4-4 महीने का मानदेय मिलता है तो पता चलेगा हम लोगों पहले से ही कर्ज रहता है, वो देने में खत्म हो जाए, फिर हम लोग ऐसे जी मरमर के हम लोग जी रहे हैं। आप कह रहे हैं टॉर्चर करते किस तरीके से? टॉर्चर वही पोषाहार के लिए, ऐसे नहीं वैसे नहीं, ई नहीं दिया वो नहीं दिया, समय से केंद्र खोलना, समय से केंद्र पर जाना, हम लोग को छुट्टी भी नहीं मिलता है, सब तरह से दिक्कत है। एक भी नहीं मिलती है हफ्ते में? नहीं, हाँ नहीं मिलती है, कोई भी छुट्टी नहीं है। अगर रात में सोए रहे ना तो हम लोग को रात में उठाकर हम लोगों को बोला जाता है कि ये चीज़ दीजिए, ये चीज़ का रिपोर्ट दीजिए, वो रिपोर्ट दीजिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों काम हम लोग करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार से हैं जी, पटना जिला। हाँ, इतना शोषण हो रहा है महिलाओं का, और प्रांगण से बोलते हैं सरकार की महिलाओं के लिए। हाँ, कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग के लिए, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम आंगनबाड़ी मर रहे हैं, सब तरह से बहुत शोषण हो रहा है हम लोग के लिए। ये देखिए, ये तो हालात है आंगनबाड़ी महिलाओं की, जिसकी सरकार लगातार दावे वादे करती है, और महिलाओं के लिए प्रांगण से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, महिलाओं के लिए सोचा जा रहा है, लेकिन ये देखिए कि स्थिति, ये देश की वही महिलाएं हैं, वही गृहिणी हैं जो घर को चलाती हैं, पूरे देश को चलाती हैं, जो रात दिन काम करती हैं। और सोचिए आज इनको अलग अलग जिलों से ये लोग आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, महिलाएं, तमाम महिलाएं यहां पर बैठकर प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन सरकार की शायद नींद ना टूटे, मगर ये आज आवाज बुलंद करने आई हैं कि इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, उसको आखिर कौन देखेगा। उसकी भर्त्सना बहुत की जा रही है, लेकिन ये सरकार जो लगातार इस तरीके के काम कर रही है, और लगातार जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसको कौन देखेगा। इनके आहार पोषण की जो बात की जा रही है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके आहार पोषण की भी बात हो रही है, वो उस तरीके का आहार नहीं मिल पाता है। तो सोचिए कि ये जो आंगनवाड़ी के नाम पर जो इतना फंड आता है वो आखिर जाता कहाँ है। ये सारा जो है सिलसिला है, ये सिलसिले से चल रहा है, ये यहीं दिल्ली के आंगनवाड़ी का मसला नहीं है, ये अलग अलग जगहों के राज्यों की आंगनवाड़ी के, पूरे देश की जो राज्य की आंगनवाड़ियां हैं उनका मसला है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से शोषित किया जा रहा है इन्हें। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर।